हाँ नहीं नहीं, आपको लगता है कि एनकाउंटर सैद्धांतिक रूप से गलत है और, है ना? और अभी अभी जब हेगड़े साहब बात कर रहे थे, राकेश शेट्टी जी एक सेकंड, मैं दोबारा ये सवाल पूछती हूँ, बात कर रहे थे राकेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए। कल के दिन दो एनकाउंटर हुए या दो मौतें हुई, दो मृत्यु हुई, दो अलग अलग लोग मारे गए, एक आदमी मारा गया महाराष्ट्र में, उसकी बात हम कर ही रहे हैं। अक्षय शिंदे मरा पुलिस की कस्टडी में। एक और आदमी की कल मौत हुई, वो हुई चेन्नई में। इस आदमी का नाम है सीजिंग राजा, एन राजा इसका नाम है। कल इसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई चेन्नई के अंदर, सितंबर 23 को। उसके कुछ ही दिन पहले 18 सितंबर को एक और आदमी मारा गया तमिलनाडु में, काका थोपू बालाजी। 14 जुलाई को थिरुवेंगडम, तमिलनाडु पुलिस ने इसको एनकाउंटर में मारा। इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, वो थी कि तीनों में ही पुलिस ने कहा कि ये हमारी हिरासत में थे, हमने अचानक इन्होंने पिस्तौल निकाल के हम पे फायरिंग शुरू कर दी और फिर हमने जवाबी फायरिंग में, सेल्फ डिफेंस में इनको मारना पड़ा। एनकाउंटर गलत हैं, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे देश में एनकाउंटर हो, पुलिस के हाथ किसी की भी मौत हो, पर ऐसा क्यों है कि जब वो महाराष्ट्र में होता है, यूपी में होता है, आप उसको मानवाधिकार उल्लंघन मानते हैं, पर तमिलनाडु में दो महीने में तीन एनकाउंटर हो गए, आपने कुछ भी नहीं बोला? क्योंकि वहां उनकी सरकार है ना, इसके लिए नहीं बोले वो। बताइए राकेश शेट्टी जी, नहीं तो कल ही एनकाउंटर हुआ है सीजिंग राजा नाम के आदमी, कभी मानवाधिकार नहीं आता, और पुलिस ने वही कहानी सुनाई कि इसने अचानक पिस्तौल निकाल के हम पे फायरिंग शुरू कर दी। और अगर नहीं नहीं तो एनकाउंटर अगर होता है और अगर मैनिपुलेटेड जानबूझ के एनकाउंटर किया तो वो गलत है, क्योंकि फिर तो इस देश में कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, पुलिस के ऊपर अथॉरिटी दे दीजिए। पर आपकी पार्टी ने तो एक शब्द नहीं बोला, भी नहीं चाहिए ना, दो महीने में तीन तीन एनकाउंटर हो गए तमिलनाडु में, आप तो वहां सरकार का हिस्सा है, आप तो वहां सरकार का हिस्सा है, बीजेपी डीएमके आपकी सहयोगी पार्टी है, आपको जवाब पूछना चाहिए और उनसे जवाब लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको झंडा उठाना चाहिए, तमिलनाडु में हुआ है तो वहां पे आपको प्रश्न पूछना चाहिए और उनसे जवाब लेना चाहिए। ये हमारा स्टेट आपका स्टेट नहीं है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान साफ बनाया है, जुडिशरी का अपना रोल होता है, तो फिर क्या करो, जुडिशरी जज वकील की जरूरत नहीं है, सब लोग एनकाउंटर ही करिए, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता कानून का, क्योंकि पुलिस को अगर लगता है कि ये कोई आरोपी है। और राकेश जी मैं ये सवाल इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि वहां तो आपकी सहयोगी पार्टी सरकार में है, आपको उनसे सवाल पूछ करके त्वरित रूप तो से इसको सवाल पूछना चाहिए, पर आपने नहीं सवाल पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना आपकी पार्टी के एक भी नेता ने, मैं तो बोलता हूं कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया है, एक भी वक्त नहीं दिया, दोहरा मापदंड है, दो महीने में तीन एनकाउंटर, आप जैसे जागरूक पत्रकार है आपको सवाल पूछना चाहिए, मैं तो सवाल कांग्रेस पार्टी को भी जवाब देना चाहिए। इसीलिए सर जनता के मन में फिर यही सवाल उठते हैं कि ये जो आप अपना आंदोलन कर रहे हैं एनकाउंटर के खिलाफ, क्या ये सच में मानवाधिकार से प्रेरित है या राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि जहां अपनी सरकार है वहां मानवाधिकार नहीं दिख रहे आपको गैंगस्टर के, मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, आरोपी के मानवाधिकार, मैं जवाब दे रहा हूं आपको पद्मजा जी, अच्छा हो गया आपने, तो आप जैसे पत्रकार जागरूक पत्रकार को तमिलनाडु की सरकार से सवाल पूछना चाहिए और कांग्रेस वहां पे अलायंस में उनको जवाब देना चाहिए। मगर जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं कृष्णा हेगड़े जी वरिष्ठ नेता है शिंदे गट के, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बदलापुर में जो आंदोलन हुआ 300 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, 60 पेरेंट्स को मार मार कर पुलिस ने अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया, क्या महाराष्ट्र सरकार वो 300 लोगों के ऊपर एफआईआर जो किया था उसको आप वापस लेंगे क्या? ये मेरा सवाल है आपसे। कृष्णा एक दे पद्मजा जी, अगर हमारे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री उसके ऊपर निर्णय लेते हैं और अगर एफआईआर निकालने की जरूरत है, सी समरी अगर पेश करने की जरूरत है तो जरूर करेंगे। दूसरी बात है, हम बात कर रहे हैं कल की और ये बात कर रहे हैं एक महीने पहले की, जो अगर इन्होंने कहा अभी एफआईआर चार दिन नहीं हुआ, एक और सवाल है आपसे, एक ही एक और सवाल है,
ये जो है इनका दोहरा मापदंड है, तमिलनाडु में महाराष्ट्र के काबिल सरकार जो है, तीन तीन शूटआउट हो गए, तीन तीन एनकाउंटर हो गए, उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। वेस्ट बंगाल में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, वो जो स्टूडेंट्स है रस्ते पे आए, ऑलमोस्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ा, तब तक ये वहां जाएंगे नहीं, वहां पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, वहां पर एजिटेशन नहीं करेंगे। इनका दोहरा मापदंड दिख रहा है, इनका पॉलिटिकल मापदंड है, पॉलिटिकल मापदंड, इनका पॉलिटिकल मापदंड है। यहाँ पर हमारे सरकार जब बनी है, बात करते तो मणिपुर की बात नहीं करेंगे आप, राम रहीम की बात नहीं करेंगे, ब्रिज राम रहीम की बात को नहीं करेंगे, पेरोल नहीं दिया, आप क्यों बात करिए, आप राम रहीम को क्यों बार बार पेरोल पे बार छोड़ते हो, क्या आपके सरकार के दामाद है कि आप उसको बार छोड़ रहे हो? सर यहाँ पे तो किसी अपराधी के, अरे क्या बात कर रहे हैं, तो आपका जो सरकार है हरियाणा में, पहले आपको समझना चाहिए। राम रहीम हेगड़े जी, आपको तो आप तो विधायक रह चुके हैं, आप तो ऐसे बात मत करिए। मैं कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ, आप मुझे कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। कोर्ट पेरोल देती है, फरलो देती है, क्या सरकार देती है? एक सेकंड, मेरे जो अनुभव है वजह से तो कोर्ट देती है। वापस मुद्दे पे आते हैं, मैं अपने दर्शकों को कुछ चीजें बतानी चाहती हूं। एक सेकंड, आपकी सरकार है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, अभी हम डिबेट कर रहे हैं एनकाउंटर पे और एनकाउंटर के आसपास हो रही राजनीति पे। आपको पता होना चाहिए कि 10 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया था कि पुलिस एनकाउंटर की कुछ गाइडलाइंस हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक आरोपी पुलिस वालों को ना तो प्रमोशन दिया जाएगा, ना ही उनको कोई भी पुरस्कार दिए जाएंगे। बहादुरी से जुड़े पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ 10 साल पहले जो एक लैंडमार्क जजमेंट था किशोर तिवारी जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पुलिस एनकाउंटर से जुड़े हर केस में दखल नहीं देना चाहिए, हर एनकाउंटर को हम शक की निगाह से नहीं देख सकते। कोर्ट के मुताबिक आयोग तभी कोई कदम उठाए, तभी दखल दे, जब एनकाउंटर के फर्जी होने को लेकर कुछ पुख्ता सबूत सामने आए। आप मुझे ये बताइए कि एक पुलिस वाले को फर्जी एनकाउंटर करके किशोर जी क्या मिल रहा है? ना उसको प्रमोशन मिलेगा, ना उसको पुरस्कार मिलेगा, उसका तो करियर खत्म हो जाए, गोली और लगेगी पैर में, और फिर आप उसको कहेंगे कि फेक एनकाउंटर है। एक मिनट पदमजा जी, आपने कुछ बुनियादी बातें रखी है, आपने एनकाउंटर की जो मॉडुलस ऑपरेंडी है वो सभी जगह सरी की बताई है कि सेल्फ डिफेंस में आरोपी अटैक करते हैं, फिर पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए उसको मार डालते हैं। आपने कांग्रेस शासित राज्य बताए, आपने भाजपा शासित राज्य भी बताए। मैं चाहता हूं कि सीजेआई, जो मेरी मांग थी आज, कि सीजेआई बदलापुर मॉडल को सीरियसली लेकर, भाजपा राज्य नहीं, किशोर जी, जब आपकी इस पार्टी की सरकार थी तब तो सबसे बड़े हमारे देश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने, मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को कौन नहीं जानता, कई लोग तो फिर राजनीति में भी आ गए। अरे देखिए पद्मा जी, स्पेशलिस्ट की पूरी अगर जो प्रचलन है वो तो मुंबई से शुरू हुआ। देखिए कांग्रेस के राज में हुआ, गोपीनाथ मुंडे रहते हुए हुआ, हमारे राज में हुआ, लेकिन क्या उसको जस्टिफाई करेंगे? हम जो कल हुआ उसको जस्टिफाई करेंगे? मैं अभी बता रहा हूं कि पुलिस अगर राजनीति में आते हैं और जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन के आते हैं, ये सब चीजें ऐसी है कि जिसमें हम न्याय व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं रख रहे। जब आपका राज था तब तो उसकी वाहवाही दी जाती थी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को प्रमोशन पे प्रमोशन, डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट, टिकट पे टिकट मिल रहा था, और अब जो है आप कह रहे हैं न्याय व्यवस्था से हमारा भरोसा उठ गया।